नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सूबे बिहार में इन दिनों प्री मानसून सीजन चल रहा है और मई की शुरुआत से ही आंधी पानी की स्थितियां रोज बरोज देखने को मिल रही है। अप्रैल में जहां प्री मानसून के दौरान मानक से कम बारिश हुई, जिस वजह से इस बार अप्रैल में लोगों को कड़कती धूप की तपिश झेलनी पड़ी, वहीं अब मई महीने की शुरुआत से ही प्री मानसून लोगों पर मेहरबान है। हालांकि इस दौरान पिछले कुछ दिनों में मौसम शुष्क ही बना रहा, मगर तेज ठंडी हवाओं के चलने व सूबे के कई हिस्सों में बारिश होने से अधिकतम तापमान से लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार भारती की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान वातावरण में आर्द्रता नहीं दिखी, मौसम शुष्क ही था। वहीं कई जिलों में हल्की से बीच की बारिश होने की खबर है। अगर हम बात बीते दिन शनिवार की करें तो कई हिस्सों में 1 से 6 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हुई है, जिसमें लखीसराय में 6 सेंटीमीटर वर्षा आंकी गई है, तो वहीं सबौर में 3 सेंटीमीटर, अररिया में 2 सेंटीमीटर, भागलपुर और चकिया में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं बारिश होने से अधिकतम तापमान में ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली, मगर इस दौरान कल सबसे अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज हुआ है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया कि एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार की सीमा क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है, जो कि समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक और चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम बंगाल के गंगा वाले क्षेत्र से लेकर झारखंड और बिहार के ऊपर घूम रहा है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो महज समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर से 2.1 किलोमीटर के बीच यह बना हुआ है। बिहार के ऊपर दोनों ही दिशाओं से चक्रवाती हवाओं के बने रहने के कारण सूबे के लगभग सभी जिलों में चक्रवात के असर से आंधी पानी की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से आने वाले 2-3 दिनों के दौरान सभी जिलों में बारिश आंधी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि इन 2-3 दिनों में सभी जिलों में तेज हवाएं बहेंगी, जो करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेंगी। इतना ही नहीं, बारिश के साथ मेघ गर्जन भी होंगे और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जारी कर लोगों से अपने अपने घरों में रहने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इस दौरान राज्य भर में दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, पारा कम ही रहेगा और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। बहरहाल बारिश से सूबे के लोगों को तपिश भरे मौसम से राहत तो जरूर मिलेगी, मगर इस दौरान आंधी और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। वहीं खेतीहर किसानों के लिए यह थोड़ा नुकसानदायक तो जरूर होगा, क्योंकि आंधी की तेज बयाड़ से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना बन जाती है। खासकर मौसम की यह दशा आम की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं आम और लीची के बागान में फल पकने से पहले ही आंधी बारिश में टूटकर गिरने लगते हैं। फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन आंधी बारिश के हिसाब से भारी रहेंगे। येलो अलर्ट सभी जिलों के लिए जारी है, इसलिए लोग सावधानी के साथ अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। आज के इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।